आप बड़े लकी हैं लेकिन कि आपने काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर के साथ तीन प्रोजेक्ट पहले किए <laughs> कानो को क्यों नहीं आप बताया आपने कानो को क्यों हाथ लगाया कानों को इसलिए हाथ लगाया मैंने सुना है मतलब यहाँ इतना वो है नहीं कि जब भी जितने भी हमारे बड़े मतलब बड़ों से मुराद हम बाकी जिनको कबीर साहब हो गए सुहेल अहमद साहब मतलब हो, जी, हो जी. गए इनसे सुना है कि जब भी किसी टीचर का नाम आए ना तो आप कानों को हाथ लगाए हाथ हाँ। तो वो एक होता था वो एक रिवायत कह लें या अदब कह लें या कुछ कह लें तो वो एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से <laughs> दोनों हाथों से आपने तो उनके साथ तीन ड्रामे पहले किए पिछले साल हमने रकीब से देखा इस साल आपने उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रामा जो कि टेलीविजन पे नहीं आया लेकिन ओटीटी पे बहुत पॉपुलर हुआ मिसेज एंड मिस्टर शमीम जिसकी पिछले साल आपने बात की थी उसका नाम कुछ और था है ना प्रेम प्रेम हाँ, जोगी था पहले था मन जोगी।, मन जोगी मन जोगी मन जोगी तो उसको वो बन गया मिसेज एंड मिस्टर शमीम उसमें आपका कैरेक्टर था खुरम साहब का जो कि एक बहुत ही ग्रे कैरेक्टर और बहुत ही नापसंद करने वाला है ना कुछ अनलाइकेबल सा कैरेक्टर लेकिन बहुत ह्यूमन एलिमेंट भी था उस कैरेक्टर हाँ। में तो जिन्होंने देखा है वो फौरन समझ गए होंगे कि जो बहन होती हैं शमीम की उनके हस्बैंड का आप रोल करते हैं और रोविंग आई भी है कुछ लड़कियों की ठरक भी है कुछ बीवी के साथ भी जिंदगी के सारे रंग उसमें जिंदगी के सब रंग है <laughs> फनकार है पूरा पूरा लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी है हुँ. तो क्या एक्साइटमेंट थी उस प्रोजेक्ट की बिकॉज आपने काशिफ के साथ पहले भी काम किया हुआ है और इसमें क्या क्या आपको फर्क लगा टेलीविजन के लिए प्ले बनने में और ओ के लिए बनने में देखिए दो चीज दो तीन चीजें थी एक तो सबसे पहले तो जाहिर काशिफ काशिफ निसार फिर साजी गुल बहुत अच्छे राइटर जी उनका वो लिखा हुआ था उसके बाद था कि ओ मतलब थोड़ा सा आप वैसे तो आजकल हर ड्रामा ही यूट्यूब पे और दुनिया भर में देखा जाता है लेकिन फिर भी एक होता है कि इंटरनेशनली आपको देखा जाएगा जी। या वो चीज़ें जो हैं वो देखने वाला उसको किसी और माइंड से देखेगा कि टीवी की चीज़ नहीं है अच्छा ये एक पोर्टल है उसकी चीज़ है जी। और फिर उसमें थोड़ा सा जो टॉपिक्स होते हैं ना वो वो टॉपिक्स होते हैं जो कि हम वैसे टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं दिखा सकते या नहीं बोल सकते वहां थोड़ी सी आपको आजादी होती है कि आप उन टॉपिक्स को टच कर सकें जो कि उसमें भी दिखाया गया वो शायद अगर यहाँ के टीवी के लिए बनता तो शायद हम ना दिखा सकते आप समझते हैं है मेरे ख्याल से दिखाना चाहिए था बिल्कुल नहीं मतलब नहीं दिखा सकते थोड़ा सा सेंसर पॉलिसीज़ वगैरह इसमें बिल्कुल कर बिल्कुल जो मतलब अगर हम उसको इस तरीके से देखें जो हम टीवी पे देखते हैं ना वो हमारे बेडरूम में घुसा हुआ है टीवी जो है ना हमारे बेडरूम में है।, है तो वो जब हम चला रहे हैं तो वो बच्चे भी साथ हैं ठीक है वो बड़े भी साथ हैं वो ऐसे है। लोग भी साथ हैं जिनके साथ हम बैठ के शायद ऐसे टॉपिक डिस्कस नहीं करते अदब की वजह से या लिहाज की वजह से किसी वजह से ठीक है या अगर बच्चे जिनको हम चाहते हैं कि अभी वो ऐसी चीजें ना देखें जब वो उनको शऊर आ जाए तब समझ सकें तब देखें जबकि अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं पोर्टल की बात करते हैं तो वो यहाँ है ज्यादातर ज्यादातर वो ठीक है आजकल लोग टीवी पे भी देखते हैं लेकिन वो ज्यादातर यहाँ है और उसका एक देखने का अपना ही मजा है अगर आपको उसकी लत लग जाए तो आप टीवी छोड़ देते हैं तो आप उस पर देखते हैं तो वो ज्यादातर जो पोर्टल है वो हमारे यहाँ है तो वो एक पर्सनल चीज है वो अगर आप देखते हैं या नहीं देखना चाहते या उसको आगे करना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं तो अभी जो हमारी एजुकेशनल लेवल हमारे यहाँ है राइट या जो शऊर का पैमाना यहाँ है उसमें ठीक है कि कुछ चीज़ें यहाँ हों और वो टीवी पे बगैर पता चले ना लग जाए ना लग जाए तो वो उस लिहाज से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जरूरी है एक सेंसरशिप uh, की आपका अपना कंफर्ट लेवल कैसा था उस उस कैरेक्टर को करते हुए हुए या उस, uh, कहानी का हिस्सा बनते वे? मैं जब भी जो मेरी थोड़ी सी समझ है वो मैं देखता हूँ कि अच्छा ये करेक्टर कहाँ से चला और कहाँ जा रहा है जी बिल्कुल ऐसे करेक्टर जो पहले सीन से ही uh, बुरे हों और एंड तक बुरे हों और वो कामयाब हो जाएं तो वो करेक्टर मैं नहीं करना चाहूंगा कि आप बुराई को कामयाब दिखा दें ठीक है या फिर आप अच्छाई को नाकाम दिखा दें ठीक है तो वो कुछ होना चाहिए एक तो करेक्टर की कुछ जर्नी होनी चाहिए कि वो कैसे चल रहा है कहाँ चल रहा है उसमें उतार चढ़ा उतार चढ़ाव कैसे हैं तो वो उसमें बहुत मजे का था फिर उसका एंड जो था वो एक बहुत क्रूल कह दें या उसके लिए यही होना चाहिए था जी। ताकि अगर कोई देख रहा है उसको मजाक मजाक में फॉलो ना कर ले बिल्कुल मकसद ये होता है बिल्कुल आ, तो वो, वो उसमें भी मिल जाए बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल क्या आप एंटरटेनमेंट के क्योंकि आप जब देख रहे होते हैं ना तो आपको कुछ चीजें किसी करेक्टर की पसंद आ रही होती है किसी की नापसंद आ रही होती है तो वो पसंद करते करते आप किसी नेगेटिव करेक्टर को अपने अंदर ऑब्जर्व ना कर लें अच्छा जी आ, मैं भी ऐसा करूंगी कि ये बहुत मजे का है ये 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 मजे ये का है अच्छी मैं करूंगी। ये हाँ, ये हरकत। हाँ। तो इसलिए उसका अंजाम जो है ना वो ऐसा दिखाया जाए कि जिससे रुका जाए कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इसका अंजाम बुरा होता है इसका मतलब बुरा बंदा बुरा बंदा था तो वो थोड़ी सी चीज देखनी पड़ती है कि करेक्टर में आपके आपकी वजह से गलत मैसेज ना चला जाए और वो इस टाइप के करेक्टर में अक्सर होता है कि आप नेगेटिव और कॉमेडी अगर दिखा रहे हैं तो वो उसको कोई फॉलो ना कर ले तो वो मजे का था और फिर टॉपिक और फिर कास्ट पूरे कास्ट बिल्कुल और वो एक पूरा जो प्रोडक्ट टॉपिक बहुत, था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और शुरू से लेके आखिर तक उसमें इतनी चीजों को एड्रेस किया गया मगर फिर भी कुछ चीजें नहीं open to interpretation भी रह जाती हैं कि कि देखने वाला खुद समझे जी दो लोगों की असल में क्या थी या क्या था खुरम जैसा करने के लिए आप कोई करते हैं या कुछ आप पढ़ते हैं या कुछ लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह ये डेवलप कैसे होता है आपको क्या लगता है मैंने छह महीने अपनी बीवी को मारा होगा नहीं करेक्टर बता रहा हूँ खुश, किसी की अच्छी मैरिड लाइफ ना हो फिर, किसी <laughs> फिर तो की। और फिर हर बंदा ऐसे कैरेक्टर करना चाहते नहीं लेकिन मेथड एक्टिंग होती है फिर भी या लोग रोल में डल जाते हैं या फिल्म ऐसी देखते हैं जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स हों सबसे पहले तो डायरेक्टर और राइटर के साथ आपके सेशन होना बहुत जरूरी है अच्छा टेलीविजन के लिए मैंने सुना नहीं होते है जो ना करना चाहे नहीं करे लेकिन कम अज कम मैं तो करता हूँ सलाम दुआन के जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने लिखा बिल्कुल उसको उस स्टोरी को तो उन्होंने कैसा लिखा पूरी स्टोरी के अलावा मेरा जो करेक्टर जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको कैसे देखा फिर उसके बाद डायरेक्टर ने उसको ऑब्जर्व किया कि वो अब कैसा दिखाना चाह रहे हैं काफी चीजें होती हैं जो राइटर बता रहा होता है वो डायरेक्टर से अलग होती हैं या जो डायरेक्टर ने बताया होता है वो राइटर से अलग होती है लेकिन आपको पता सब हो ठीक है राइटर ने इस माइंड से लिखा है और अब डायरेक्टर तक आ गया है तो अब ये बन गया एक अंडरस्टैंडिंग 360 डिग्रीज बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल फुल क्योंकि एट द एंड आपको लेके तो वही चलना है जो डायरेक्टर कह रहे हैं क्योंकि उसने वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है राइट तो वो मेरी साजिगुल से तो बहुत अच्छी मुलाकात और बातचीत भी होती रहती थी और फिर साथ काशिप काशिप निसार साहब तो वो काशी भाई से डिस्कशन हुई तो उनने बताया कि इस तरीके से सारी चीजें लेके चलनी है बाकी आप कह रहे हैं मेथड एक्टिंग वो होती है लेकिन वो हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं होता कि आप उस माहौल में जाके रहना शुरू कर दें कम से कम यहाँ यहाँ पे शायद हॉलीवुड में अब भी ऐसा होता हो लेकिन कम से कम यहाँ इतना नहीं होता क्योंकि यहां तो फिर नेगेटिव कैसे करेंगे अगर नेगेटिव uh, के लिए इतना मेथड में जाएंगे लेकिन वही होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन मतलब जो कहा जाता है कि एक्टर का एक यहाँ जो होता है ना बैंक होता है हुँ. कि वो जो आप रोजाना रूटीन में चीजें पढ़ रहे हैं देख रहे हैं उठते बैठते आप रिश्तेदारों में दोस्तों में किसी ने कोई बात बताई है किसी ने कोई उसमें से चीजें निकालते हैं निकाल अच्छा गर, अगर अगर ऐसी सिचुएशन है तो अच्छा मैंने कहीं और वो जरूरी नहीं होता कि आप उस उसका सोचें कि मैं सोचूं कि अच्छा जी क्या उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं वो वही होता है जो किसी आपने किसी से सुना आपने कहीं पढ़ा या आपने कहीं देखा आपकी सबकॉन्शियस में चला सारी गया सारी चीजें होती हैं हाँ। वो जहाँ वो रखा होता है वहां से चीजें निकलती हैं फिर अगर उसमें कोई नोक पलक ऊपर नीचे करनी है वो डायरेक्टर होता है कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है कि इतना इस हद तक नहीं जाएगा फिर कई चीज़ें होती है वो काशी काशबी कहते ना कि ये यहाँ से आ रहा है